साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग UP SSC के द्वारा जो पेट की परीक्षा 16 अक्टूबर को फर्स्ट से शिफ्ट में कराई गई है, उसके प्रश्न के उत्तरों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, और जिस भी उत्तर में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो ये था, क्या था? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के माध्यम से। अगला है, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह था राजकोषीय नीति सुधार था। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? M.S. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान के DPSP राज्य नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अव्यक्त स्वातंत्र का अधिकार है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो है आपका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार में, तो द्विस्तरीय सरकार नहीं, त्रिस्तरीय है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण यह रासायनिक नहीं है, भौतिक प्रक्रिया है। पायरिया निम्न से किसका रोग है? तो पायरिया जो है आपका ये मशरूमों का रोग है। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कुल 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8, बी ऑप्शन। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2.35 आ जाएगा। 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है, तो ये कितना है? 40%। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 70.2 हो जाएगा। √12.00409 − √1.2544 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.35 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। कौन सा एसिड जो है आपका कार बैटरी में प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सफ़ेद और पसीना। श्वेत मतलब सफ़ेद, स्वेद मतलब पसीना। खाक में मिलना का मतलब क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनिल का पर्यायवाची जो है वो पवन है। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट हो जाना है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जो है वो सतधन भावना हो जाएगा। इंग्लिश का यहाँ पैराग्राफ है, इस पे आधारित प्रश्नों को आप यहाँ पे देखें। तो क्वेश्चन नंबर 24, एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड कहाँ पे? ये हो जाएगा आपका डाउन स्टेयर्स, सी ऑप्शन। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। चूज द करंट एंटरनेम्स मोर्न। मोर्न का एंटरनेम क्या हो जाएगा? इसका एंटरनेम हो जाएगा जॉय, ए ऑप्शन। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स। इसे ऑक्सीनर कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल, इसका एग्जाइल का क्या हो जाएगा? बैनिशमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। दूसरा कथन, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कथन ए जो है कारण है, ठीक है, क्योंकि चौकसी बढ़ा दी इसलिए अपराधों में कमी आई है, और कथन दो इसका प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, विषम चुनिए, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें विषम कौन सा है? तो देखिए इसमें आपका 33 जो है बाकी 13, 17 और 23 से अलग है।
6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 125 डिग्री होगा। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड कितना होगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 14122518 1522। आगे चलते हैं। द अन्नामलाई रीडटेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो इसकी खोज जो है आपका केरल में की गई है। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगा, गोपी उन्हें नाना कहेगा, क्या कहेगा, नाना कहेगा। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अलमाज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, ठीक है, तो इसका किसके साथ, ओमान, ये जो है सूडान के साथ में। जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो ये जो है उपभोक्ता जागरूकता संबंधित शुभंकर है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर है, क्या है, संभाजी नगर है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है, किस पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यूके में, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग या तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो कहां पे शुरू की गई है, असम में, सॉरी केरल में शुरू की गई है, केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रपहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ, तो ये जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, किसने की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं इसरो के साथ में, किसके, इसरो के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो यह है बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूशलेम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है लगभग 4,00,000 ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है, तो देखिए कहां पर है, कर्नाटक में है। झारखंड उड़ीसा गुजरात में यहां केवल विधान, यहां पर केवल विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो कर्नाटक में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कुरु को, कर्नाटक का कुरुक जिला है। कला मथुरा से कौन सी कला, मथुरा से स्टेंसलिंग की पारंपरिक कला है, तो यह है आपकी सांझी। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो 29वां राज्य कौन सा है, तो यह है तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी, किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, अवरक्त विकिरण को, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का है। क्वेश्चन नंबर 54 यहां हिंदी का पैराग्राफ इसे पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, तो ये सभी के सभी होते हैं, डी ऑप्शन। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, तो इसके सबसे ज़्यादा दोषी जो है बच्चों के माँ बाप हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, तो इसके पीछे सबसे प्रबल कारण जो है वो है माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते,
कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है, तो कौन सी दिखाई देती है, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर एक हिंदी का पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और फिर इस प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है आपका, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, दूसरा शेयर खरीदना निवेश है, बी ऑप्शन। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रति लघु बचत द्वारा संभव हो सकती है, ए ऑप्शन, मतलब पहला कथन। फिर तीसरा पढ़िए, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम या खतरा होता है। तीसरा और चौथा, बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, बचत जो है निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा अर्थात ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड और SIP, कमोडिटीज और शेयर की खरीद बचत, जमीन या सोना खरीदना, ये सभी हैं। पर सेविंग बैंक खातों में रखना ये आपका निवेश नहीं है, डी ऑप्शन। अनुच्छेद का आधार बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। तो पहला, देखिए, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन, बच्चों के पिग्गी बॉक्स में रखा हुआ धन, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये आपके निवेश के उदाहरण नहीं है, बल्कि सोने के गहने खरीदना ये निवेश है, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 से 68 जो है, इसमें क्या है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बताता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 64 आपका, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम रही है। तो 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है, तो ये हो जाएगा 1.7% की। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी कितनी थी, तो ये छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, तो ये है आपका 7:10 का। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, 2016 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत था, तो ये आपका 93.75% था। अगला है, 69 से लेकर 73 दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ये दंड आलेख है, 69 नंबर क्वेश्चन है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, ये आपका हो जाएगा 2002 और 2007। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो ये थी आपकी 23%। आगे बढ़ते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो 2002 में। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो ये था आपका 4 वर्षों में। 2001 के दौरान या 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, तो इसका जो है 166.67 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 74 से 78 तक हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। प्रश्नों को देखें, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका,
कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? तो इसका हो जाएगा 77 कर्मचारियों के पास में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? 234.29%। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 208:115 का है। सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 138 का है। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो ये है 35:11 का। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए चलते हैं। 79 से 83। निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। इस पर आधारित प्रश्न को देखें। 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो ये हो जाएगा आपका 2.4 मिलियन। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या 5 मिलियन की है। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 1:2 का है। आगे बढ़ते हैं। 1:2 का नहीं है ये आपका, हाँ 1:2 का है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कितनी हो जाएगी? 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन हो जाएगी। अगला है, यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं? तो 83 का आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला था? निरंजना नदी के तट पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो यहां पर इसका उत्तर जो है वह है कन्नौज। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आएगा। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये किसकी थी? ये मराठाओं की थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम लोपी ढलाई का या कास्टिंग तकनीक का। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इनका नाम था हसरत मोहानी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो कि 1905 में होता है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। तो यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ए ऑप्शन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का कारण क्या था? तो इसका कारण जो था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? थार के मरुस्थल में। विश्व को कितने प्रमुख कालों या क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो कुल कितने 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता अर्थात मोर्बिडिटी, ए ऑप्शन।
लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये शामिल है आपका निजी क्षेत्र, सी ऑप्शन। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन, जो कि मुख्यतः ब्राजील में विस्तारित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप उसका उत्तर जो है सही से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।